जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अर्थ6 में। रुक करते एक बार फिर से बिहार की तरफ, एक और बिहार सरकार की योजना से आपको अवगत कराएंगे, जहां पे उन छात्रों को लाभुक होना है जिन छात्रों ने तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि पीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अन्य कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार का ये जो है फ्री कोचिंग योजना है। अब ये योजना किस जिला से प्रारंभ किया गया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ भोजपुर जिला, चूंकि ये जिला भोजपुर से निकला है अपडेट, तो क्या सिर्फ जिला भोजपुर के छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको अभी बता दूं कि बिल्कुल नहीं, ये बिहार के सभी जिलों के छात्र, जी हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं। बट यूनिवर्सिटी जो है वो आरा की है और आरा यूनिवर्सिटी ने इसका अपडेट दिया है आज के एक दैनिक खबर में। जी हाँ, ये खबर हिंदुस्तान की है और हिंदुस्तान खबर में आपको ये देखने को भी मिल जाए, तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। और कैसे आवेदन करना है ये फ्री कोचिंग लेने की योजना को लेकर, तो मैं आपको इसका डिटेल भी बताऊंगा। प्लीज वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर लीजिएगा, ताकि बिहार के छात्रों का यहाँ पर लाभ हो सके। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल अपडेट पे, लेकिन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम एजुकेशन की एटेसिक्स भी सर्च कीजिएगा तो ज्वाइन हो जाएगा, वहां जरूर ज्वाइन हो जाए। और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां भी सेम अपडेट आपको शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान खबर का आज का ही ये अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसलिए मैं आपको थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा पूर्व जो है निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक क्राइटेरिया तो ये आपको समझ में आ गया कि कैटेगरी जो है ये उनके लिए है जो कैटेगरी एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं और बिहार के राज्य के हैं वो। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, तो बिहार डोमिसाइल, यानी कि अदर स्टेट के छात्रों को यहाँ पर मौका नहीं है ये फ्री कोचिंग योजना लेने को लेकर। अब यहाँ पे बता दें कि ये जो विभाग है एससी एसटी कल्याण विभाग की तरफ से ही अपडेट किया गया है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा संचालित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रशिक्षण दिए जाने हेतु राज्य के प्राक प्रशिक्षा प्रशिक्षण केंद्र आरा में यह सेंटर बनाया जा रहा है, तो आरा जिला में। तीसरा अपडेट यही है, आपका सवाल आ रहा था कि किस जिला के लिए है, तो आरा जिला, जी हाँ, आरा जिला भोजपुर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये भोजपुर का अपडेट है। और यहाँ पर आपको बता दें कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और कोई भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में चयनित होने के लिए परीक्षा के पूर्व जो आपका फीस लगता है वो निःशुल्क रहेगा, ये प्रशिक्षण यहाँ पे आपको दिया जाएगा। ये जानकारी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये जानकारी यहाँ पे दी भी गई है, ये फ्री कोचिंग प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, यानी इसके लिए आपको क्या करना है, तो अप्लाई करना है। अब प्राक प्रशिक्षा केंद्र जो है 60-60, यानी कि कुल 120 छात्र छात्राओं को दो बैच बनाने जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि 60 मेल छात्र होंगे और 60 जो होंगे वो फीमेल छात्राएं होंगी, ये जानकारी यहाँ से सम्मिलित किया जाएगा। अच्छा, छात्र छात्राओं को चयन संबंधित विषय में बहुवैकल्पिक लिखित परीक्षा के उपरांत मेधा सूची आधार पर किया जाएगा, ये भी आपको जानकारी है यहाँ पे, तो आपका मेधा सूची एक तैयार किया जाएगा इसके बाद। अब आवेदन जो आपका पत्र है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है, परीक्षा जो है प्रशिक्षण केंद्र आरा, यानी कि जो आपका स्थान है प्राकृत विभाग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, ये आपका एड्रेस है, कार्यालय में आपको जमा करना है, यानी कि आपको जो अप्लाई करना है वो ऑफलाइन मोड पे करना है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भोजपुर जिला के छात्र ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं, आप किसी भी जिला से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आप जो है यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। और ये एक दिया गया है यहाँ पर संपर्क नंबर, यहाँ पे देखिए ये तो कॉल लगेगा नहीं, ऐसे संपर्क नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पे जाना होगा और आवेदन पत्र अपना समर्पित करना होगा वहां पर, ठीक है, आवेदन आपको करना होगा। अब आवेदन करने की जो तिथि है, खासकर अगर बीपीएससी के लिए बोलूँ और एसएससी के लिए बोलूँ, तो आवेदन करने के लिए अगर तिथि दी गई है तो 16 जुलाई दिया गया है बीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और एसएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको 31 अगस्त तक का दिया है यहाँ पे टाइम दिया, आवेदन करने की तिथि है। और नामांकन जो है आपका परीक्षा की तिथि जो है ये 20 जुलाई को होगा बीपीएससी के लिए
और ये 10 सितंबर को होगा परीक्षा इसका। नामांकन की जो तिथि होगी यानी कि जो आपका एडमिशन होगा ये 25 से 27 जुलाई 2024 का दिया गया है, और यहाँ पर 20 से लेकर 25 अगस्त दिया गया है एसएससी के लिए। वहीं पे वर्ग संचालन की जो तिथि है ये 1 अगस्त 2024 दिया गया है और इसका 1 अक्टूबर 2024 दिया गया है। तो ये जो है इसका जो क्लास शुरू होगा, इसका जो ट्रेनिंग शुरू होगा, एक तरह से कहें जो कोचिंग शुरू होगा, ये 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा बीपीएससी के लिए और एसएससी के लिए 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। तो जो भी छात्र छात्राएं एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते, तो एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग ने ये पहल किया है निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर। जो छात्र बीपीएससी एसएससी रेलवे बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको जाना होगा यहाँ पर आवेदन पत्र अपना लेकर और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक समझिएगा चीजों को। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि छात्र छात्राओं के पास पात्रता क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी की बात की गई है यहाँ पर। तो छात्र और छात्राओं की जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर जो है होनी चाहिए कम से कम, है ना, 18 जो है आपका कम से कम शैक्षणिक योग्यता जो है कम से कम होना चाहिए, और शैक्षणिक योग्यता जो है एसएससी और बीपीएससी के लिए क्रम से इंटर और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो जैसे कि बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि एससी एसटी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे तैयारी में काफी देरी से लगते भी है, तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है ना, तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो भी आप लग सकते हैं। जैसे कि इंटरमीडिएट लेवल का जो बिहार एसएससी का भी फॉर्म आया हुआ है उसके लिए भी आप जाके यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, अपनी तैयारी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। छात्र छात्रा बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए, ये मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, और जाति जो है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से ही होना चाहिए। अब यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए नहीं है, कैटेगरी सिर्फ एक ही है एससी एसटी, दोनों दो ही कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। नामांकित छात्र छात्राओं को 75% वर्ग में उपस्थिति अनिवार्य है। तो जो भी लोग एडमिशन लेंगे, नामांकन जो परीक्षा की तिथि है वो 20 सितंबर को है, 20 जुलाई को है बीपीएससी के लिए और 10 सितंबर को है आपका एसएससी के लिए। तो लेकिन नाम जब आपका लिखा जाएगा तो कम से कम 75% अटेंडेंस आपको देना होगा यहाँ की क्लासेस में। नियमित छात्र छात्राओं को सरकार जो है द्वारा निर्धारित दर पर 75% उपस्थिति होने की छात्रवृत्ति राशि भी दी जाएगी। अगर आप 75% यहाँ पे क्लास कर लिए तो आपको इसकी राशि भी दी जाएगी, है ना, ये आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी यहाँ पर। अब आगे बात करते हैं, छात्र छात्राओं को अथवा उनके अभिभावक को ये अधिकतम वार्षिक आय अगतन सभी स्रोत को मिलाकर 2,50,000 ही होना चाहिए। वैसे छात्रों को ही ट्रेनिंग दिया जाएगा यहाँ पे जिनके अभिभावक का जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप एससी एसटी से बिलोंग तो करते हैं लेकिन आपके घर का जो सालाना इनकम है वो 2.5 लाख से अगर ऊपर हुआ तो आपको यहाँ पर जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मांगा जाएगा आपसे वित्तीय प्रमाण पत्र आपके घर का भी, ठीक है। चलिए विहित प्रपत्र में देखिए, अब आवेदन कैसे करना है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको समझिएगा। और चूंकि कैसे आपको ये अप्लाई करना है फॉर्म को, तो ये दिया गया कि विहित प्रपत्र में पूर्ण आवेदन जो है जिला कल्याण पदाधिकारी भोजपुर या निदेशक प्राक प्रशिक्षा केंद्र भोजपुर को निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से समर्पित किया जाना है, या आवेदक स्वयं ही परीक्षा जो केंद्र पर जाकर भोजपुर के कार्यालय में अपना आवेदन पत्र हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है, तो आपको आवेदन करने के लिए या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, 10th का 12th का सबका फोटो कॉपी जो है शेयर कर दीजिएगा इनको यहाँ पे, और आप आपको क्राइटेरिया हमने बता ही दिया है किसको करना है, एससी एसटी कैटेगरी वाले छात्र छात्राओं को ही करना है, और उन्हीं को करना है जिनका कि सालाना इनकम 2.5 लाख से पारिवारिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और यहाँ पे सिर्फ 120 सीटें ही हैं जिसमें कि मेल फीमेल को दिया जाएगा, है ना, 60-60 करके, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आवेदन पत्र विहित जो प्रारूप है कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है, और या तो अब जैसे कि आप क्या होंगे कि स्पीड पोस्ट नहीं भेज पा सकते हैं तो आप आरा चले जाइए, वहां पे अपना आवेदन पत्र हाथों हाथ जमा कर दीजिए, एक लिफाफा ले लीजिएगा और लिफाफे में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके और अपना एड्रेस, है ना, और यहाँ पे जो है ये जो एड्रेस है आवेदन पत्र भेजने का ये एड्रेस लिख दीजिएगा और वहां पे समर्पित कर दीजिएगा। ये एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, अगर इस नंबर पे बात हो जाती है तो ऑफिस टाइम पे कॉल कीजिएगा, यहाँ से संपर्क भी आपका हो सकेगा। ये जो है नंबर आपका 9386708997 है, ये जो कि आपका नंबर दिया गया है, आपका एक टेलीफोनिक नंबर है,
और इससे आप जो है संपर्क कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बात हो सकती है। आवेदन के साथ जो है अपना सभी शैक्षणिक और अंक पत्र, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति जो है लगाना है और 3 रंगीन फोटो भी साथ में देना है। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पे देखिए अपडेट किया गया है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आपका मैट्रिक है ना, दूसरा आपका इंटरमीडिएट यानी कि 12th, फिर उसके बाद अगर देखें तो ग्रेजुएशन किए हैं तो ठीक है, ग्रेजुएशन का भी लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, फिर उसके बाद जो है आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल है ना, डोमिसाइल आपका लगेगा। फिर आपका जाति यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और उसके बाद आधार कार्ड भी लगेगा आपका, यहाँ पर आधार कार्ड भी लगेगा, और 3 रंगीन फोटो, 3 कलर फोटो जो है आपका यहाँ पे देना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आवेदन करने में आपको लगेंगे। तो फिलहाल आवेदन का प्रारूप जो है, अभी आवेदन के लिए जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं ये भी यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसको आप लोग एक झलक जरूर देख लीजिए। 16 जुलाई को यहाँ पर जो है आपका बीपीएससी के लिए आप आवेदन करेंगे, और 31 अगस्त को जो है आप यहाँ पे आवेदन करेंगे एसएससी के लिए। नामांकन की जो तिथि होगी यहाँ पे 20 जुलाई दिया गया है, आपका एडमिशन होगा, और यहाँ पे एडमिशन 10 सितंबर को होगा। और नामांकन की जो जो तिथि है, नामांकन की जो तिथि, परीक्षा की तिथि यही है ना, ये एग्जाम डेट है, और ये नामांकन की जो तिथि है, एडमिशन जब आपको रिजल्ट आएगा तो एडमिशन लिया जाएगा, ये जो है 25 से लेकर 27 जुलाई का ही दिया गया है। और यहाँ पे देखिए वर्ग संचालन जो है 1 अगस्त से कर दिया जाएगा, 1 अगस्त से आपका एक क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो ये इनके लिए, बीपीएससी वालों के लिए और ये एसएससी के लिए। ऐसे ही रेलवे बैंकिंग के सेक्टर की तैयारी करते हैं तो अभी आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं जाके, क्योंकि तो यहाँ पे सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में ही ये सूचना आपको दी गई। ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा कर रही थी, जो आप जो है आवेदन कर सकते हैं, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। आप हाथों हाथ या अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्पीड पोस्ट के द्वारा इस पते पर भेज सकते हैं। ये पता जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, इसको एक झलक जरूर देख लीजिएगा। आवेदन पत्र प्रारक परीक्षा केंद्र आरा है, जो कि आपका स्थान जो है प्राकृत विभाग, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यानी आरा, 802301 पे ये आपको प्रपत्र जो है सारे भेजने, अपने सेल्फ अटेस्ट करके भेजिएगा, अपना रंगीन फोटो भी 3 डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी थी दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। जय हिंद।